आनंदीबेन पटेल जालान के एक दिवसीय दौरे पर उरई पहुंची। वह सड़क मार्ग से उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज सुबह 11:30 बजे पहुंची थी, जहां उनका स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री जालान सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा ने किया। यहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में टीबी के मरीजों से मुलाकात की और उन्हें किट भी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। इसके बाद महामहिम राज्यपाल ने आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद मरीज से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 5 घंटे तक जालान के उराई में रही, जिसमें वे ग्राम सरोखा में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। वहां आंगनबाड़ी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए रुकी, फिर जिला कारागार पहुंची, जहां पर उन्होंने जेल का निरीक्षण कर बंदियों से भी मुलाकात की। कारागार के निरीक्षण के बाद महामहिम राज्यपाल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। दोपहर बाद वो कार द्वारा हमीरपुर के लिए रवाना हो गई। बता दें कि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन को लखनऊ से हेलीकॉप्टर से आना था, पर मौसम खराब होने के कारण वे लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए जालान के उरई पहुंची थी। रामपुर पहुंचे।